हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। वर्तमान में आलोचना करिबा एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस रा चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल विषय रे। जदि जने फिजिकली फिट देखा जाउ छे दैट डजंट मीन कि से पूरा हेल्दी अछि। हमर हेल्थ केवल फिजिकल फिटनेस को डिफाइन करे नै। हेल्थ फिजिकल भी हे पारे, इमोशनल भी हे पारे, मेंटल भी हे पारे, सोशल भी हे पारे। जदि हमर फिजिकल हेल्थ ठीक ठाक अछि किंतु हमर पड़ोसी को साथ रे झगड़ा कारण रु हमे मानसिक दुश्चिंता भीतर अछे ताहले भी हमे हेल्दी नुहे। तो हमर फिजिकल सोशल और मेंटल वेलबींग ऊपर डिपेंड करे हमर ऑल टुगेदर हेल्थ। तापर हमे देखिबा जे कोन कोन सब बेसिक कंडीशंस अछि गुड हेल्थ पाइबा पई। गुड हेल्थ पाइबा पई हम केते गुडे जिंस ऊपर फोकस करबा को पड़िबो। से माने हेले प्रॉपर बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, पर्सनल हाइजीन, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन सराउंडिंग, हेल्दी एयर, पॉल्यूशन फ्री सराउंडिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ये सब जिन जब आम फोकस रखा तो आम गोटे हेल्दी लाइफ जीपरिया। तापर आम देखा जे डिजीज कहले कौन जाना जाए जिते बड़े बॉडी एज रे न थाए अर्थात बॉडी जिते बड़े कम्फर्ट फिल कैनि आम कहे कि डिजीज अच्छी। ड्यूरेशन बेसिस रे डिजीज को आम क्लासीफाए कर आज आक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। आक्यूट डिजीज मैंने से डिजीज जोटा कि बहुत सर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर रोहे। फॉर एग्जांपल हेडाक, कॉमन कोल्ड, ये सब बहुत कम समय पर कई घंटा कि दुई तीन दिन रोहे एम कहुए आक्यूट डिजीजेस। अंपक्ष क्रोनिक डिजीज मैंने से डिजीज जो मैंने कि लॉन्ग टाइम पर रुंती। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस अनेक वर्ष जाए रही पारे, कैंसर एक्सेट्रा। तापर आम आसवा कजेस ऑफ डिजीज पाखक। डिजीज कजेस भितर किसी कज अच्छा जो मैंने कि इमिडिएट आउ कि कज अच्छा जो मैंने कि कंट्रीब्यूटरी। इमिडिएट कजेस भितर आसवे से ऑर्गेनिज्म सब जो मैंने कि आम बॉडी भितर एंटर करती आउ डिजीज कज करती। फॉर एग्जांपल किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया किंबा किसी प्रोटोजोआ जो मैंने कि आम बॉडी भितर एंटर कर सारापर आमको डिजीज हुए। कंट्रीब्यूटरी कज भितर आसी सेकेंडरी फैक्टर्स जो मैंने कि आम बॉडी भितर एंटर करने किसी ऑर्गेनिज्म मानक हेल्प कर। फॉर एग्जांपल अनक्लीयर सराउंडिंग, डर्टी वाटर, कंटामिनेटेड फूड, इम्प्रॉपर न्यूरिशमेंट, पॉवर्टी, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एमानकपाई किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम बॉडी भितर प्रवेश कर जाती। से कंट्रीब्यूटरी कजेस कहुए। ये कजेस मानक किसी इनफेक्शियस कजेस था आउ किसी नॉन इनफेक्शियस कजेस भी था। डिजीजेस जोटरे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने इमीडिएटली स्प्रेड हो चलती नेबरिंग एरिया को ताको कहा जाए इनफेक्शियस कजेस। 1% ठारु आ गोटे परसेंट को ये इनफेक्शियस कजेस रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जल्दी जल्दी स्प्रेड हुई। ऑन दी अदर हैंड नॉन इनफेक्शियस डिजीजेस रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने साधारणतः कम्युनिटी रे स्प्रेड हुई ना। फॉर एग्जांपल कैंसर, जेनेटिक अबनॉर्मालिटीज, हाई ब्लड प्रेशर ये सब कम्युनिटी रे स्प्रेड हुई ना। से कहा जाए नॉन इनफेक्शियस कजेस। वर्तमान आम किसी इनफेक्शियस डिजीज बा कम्युनिकेबल डिजीज को देखिबा एवं जानि नबा जे ताक पछरे को को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अछंती। जेतेबेले कोनोसी डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम आम बॉडी भितर एंटर करे से किसी जा इनफेक्शन नहीं के आसे एवं एही माइक्रो ऑर्गेनिजम आम बॉडी भितर ग्रो करंती एवं निजकु मल्टीप्लाई करंती। आम बॉडी एठार होई जाए होस्ट एवं ए होस्ट भितर जर्म्स माने निजे को मल्टीप्लाई कर चलती। वर्तमान देखिबा जे को डिजीज मुख्यतः बैक्टीरिया मानक द्वारा व्यापी थाए। ट्यूबरकुलोसिस, टिटानस, टाइफॉइड, कलेरा एमाने समस्ते बैक्टीरिया द्वारा ही थांती। वायरस द्वारा होता डिजीज मानक भितर अछंती एड्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, रेबीज एवं मिजल्स। फंजाई मानक द्वारा होता डिजीज मानक भितर अछंती स्किन डिजीजेस एवं फूड पॉइजनिंग। प्रोटोजोआन डिजीज मानक भितर अछंती मलेरिया, अमीबायसिस एवं काला आजार। ओम को द्वारा होता डिजीज मानक भितर अछंती फाइलेरियासिस एसेट्रा। वर्तमान देखिबा जे को डिजीज एयर द्वारा बर्न होंती। एयर बर्न डिजीज मानक भितर प्रमुख अछंती कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स एवं ट्यूबरकुलोसिस। एयर बर्न डिजीज मानक भितर होता डिजीज साधारणत बैक्टीरिया एवं वायरस को द्वारा होती। देखिबा फूड एवं वाटर पई को डिजीज हुए। कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर पर होता डिजीज साधारणतः बैक्टीरिया, वायरस, ओम इत्यादि द्वारा होती। कलेरा, टाइफॉइड, हेपाटाइटिस एम सब फूड एवं वाटर कंटामिनेशन द्वारा होता है। तापर हमें देखा कंटाक्ट द्वारा को डिजीज होता है। बहुत सारा डिजीज इनफेक्टेड पर्सन रु हेल्दी पर्सन को
स्प्रेड होती कंटाक्ट द्वारा फॉर एग्जांपल फंजी द्वारा हेउथिबा अनेक प्रकार डिजीज कंटाक्ट द्वारा स्प्रेड हे थाए फंगल इन्फेक्शन स्केबीज इत्यादि कंटाक्ट द्वारा व्यापी थाए एड्स सिफिलिस पर डिजीज सेक्सुअल कंटाक्ट में व्यापी थाए तापर हमें किसी डिजीज मानक देखा जो मैंने कि बॉडी फ्लुइड्स मानक व्यापी था बॉडी फ्लुइड्स भितर आस ब्लड सीमेन मदर्स मिल्क सब ए बॉडी फ्लुइड मानक द्वारा व्यापी डिजीज मानक भितर अच्छा एड्स पर डिजीज तापर हमें देखा जे एंटीबायोटिक्स कौन एंटीबायोटिक्स होती से केमिकल्स मेडिसिन ड्रग्स जो मैंने कि गोटे बैक्टेरिया रो बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर दिखती जहाँफल बैक्टेरिया बंची पारे ना आजको मल्टीप्लाई करे ना एवं आम डिजीज रु मुक्ति पाऊ तो अधिकांश बैक्टेरियल डिजीज एंटीबायोटिक्स द्वारा भल हो पारे तापर आम जान ना जे इनफ्लेमेशन कौन जिते बड़े आम बॉडी इम्यून सिस्टम आक्टिव थाए सी अफेक्टेड टिश्यूज को बहुत सारा सेल रिलीज करे या पचरे कारण थाए जे डिजीज कजे माइक्रोब्स केमती हिटअप हूँ यही फेनोमेना को कहा जाए इनफ्लामेशन एवं यही इनफ्लामेशन पर बहुत सारा इफेक्ट्स क्रिएट हुए जमीक बॉडी रे स्वेलिंग देखा पेन होगा फीवर आसवा एवं रेडनेस आसवा तापर आम देखा जे ट्रीटमेंट प्रिंसिपल सब कौन कौन अच्छी ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंसिपल भितर आम दुईट कथ आस प्रथम कथा जे जो डिजीज जो इफेक्ट अच्छी ताको रिड्यूस करवा अर्थात टेम्परेचर बढ़ी जाइए केमती कमे पेट दरज हो कमे इनफ्लेमेशन को केमती ठीक करवा यह सब हूँ इफेक्ट एवं द्वितीय प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट भितर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज अर्थात जो डिजीज करोथिबा लोकटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्मटा ताको मारिबार अछि से फंजी हो कि प्रोटोजोआ हो कि बैक्टीरिया ताको मारिबार अछि तो वर्तमान देखिबा जे प्रिवेंशन आम केमिति रखिपर एयरबोर्न इन्फेक्शन रु प्रिवेंट करने को निजकु आमको वैलिड विजिटिंग आवर फिक्स करने को पड़ा पब्लिक प्लेसेस को आमर नोज माउथ ये सब को कवर करने को पड़ा वाइल कफिंग एंड स्नेजिंग वाटरबोर्न डिजीज रु वाटरबोर्न इन्फेक्शन रु बचाक आमको क्लीन आ बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर उपर डिपेंड करने को पड़ा वेक्टरबोर्न इन्फेक्शन अर्थात जो इन्फेक्शन मशा माछी इत्यादि द्वारा व्यापी था ताठ बचाक आमको आम सराउंडिंग क्लीन रखा पड़ो आमर चारिपाखे वाटर पडल होगा अटकवाक पड़ो आमको एनश्योर करने को पड़ो जे समस्त जपरी प्रॉपर आउ सफिशिएंट डाइट मिल पार्छा ता कि भाइरस द्वारा होता रोग मानक निजक बचाक टीकाकरण करने को पड़ो सो ये क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल वर्तमान पे यतिकी धन्यवाद।